वेल गाइज, हिंदी में एक वर्ड होता है जानबूझकर। इसको इंग्लिश में बोलना हो तो इसके लिए हमारे पास दो वर्ड हैं, इंटेंशनली या डेलिबरेटली। दोनों ही एज अ एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करते हैं। जैसे हमें बोलना हो, मैं उससे जानबूझकर बात नहीं करता था, आई डिड नॉट यूज टू टॉक टू हिम डेलिबरेटली। ओके, जैसे मैंने तुम्हें जानबूझकर कॉपी नहीं दी, ठीक है, आई डिडंट गिव यू कॉपी डेलिबरेटली। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो जानबूझकर मूवी नहीं देखता, ठीक है, ही डजेंट वॉच टीवी डेलिबरेटली या इंटेंशनली। राहुल ने जानबूझकर तुम्हें थप्पड़ मारा, राहुल स्लैप्ड यू डेलिबरेटली या इंटेंशनली। मोहन ने जानबूझकर उसे कॉपी नहीं दी, मोहन डिडेंट गिव यू कॉपी डेलिबरेटली या इंटेंशनली। वो जानबूझकर घर नहीं गया, ही डिडेंट गो टू होम डेलिबरेटली या इंटेंशनली। हम जानबूझकर मुंबई नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू मुंबई डेलिबरेटली या इंटेंशनली। ओके, तो सिंपल सा यूज है, आपको डेलिबरेटली या इंटेंशनली एज अ एडवर्ब ऑफ मैनर का काम करता है, जो कि आपको मैन वर्ब के बाद लगाना है। ओके, थैंक यू।